देवास जिले के बागली के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनीतिक संत कैलाश जोशी सोमवार शाम 4:30 बजे पंचतत्व में विलीन हो गए। राज्य सम्मान और सलामी के साथ जोशी के छोटे बेटे योगेश जोशी द्वारा मुखाग्नि दी गई। इस अवसर पर प्रदेश के सभी दलों के वरिष्ठ नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोमवार के दोपहर जोशी का पार्थिव देह भोपाल से उनके गृह नगर हाट पिपलिया लाया गया था, जहां पर परिवारों के बीच परंपरा अनुसार क्रिया कर घर से मुक्ति धाम तक शव यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कैलाश जोशी 1962 में पहली बार बागली से विधायक बने थे, जो लगातार 8 बार चुनाव जीते और उसी बीच मुख्यमंत्री पद पर भी रहे थे। बागली की जनता ने कैलाश जोशी को जोशी बाबा नाम दिया था और लगातार श्री जोशी को बागली से विजय दिलाई थी। अंतिम संस्कार के बाद श्री जोशी को सभी वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कैलाश जी का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। मध्य प्रदेश के नाम को, देवास जिले के नाम को पूरे भारत में राजनीतिक क्षेत्र में पहुँचाने का काम जोशी जी ने अपने जीवन में किया। एक अच्छे विधायक, एक अच्छे सांसद, मुख्यमंत्री, कुशल संगठक और बेबाक अपनी बात रखने के रूप में जोशी जी को पहचाना जाएगा। एक आदिवासी विधानसभा क्षेत्र से निकल कर पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जो काम किया वो हम सब के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। आज के दौर में जोशी जी से नेता मिलना मुश्किल है और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जोशी जी ने अपना अथक परिश्रम लगाया, अपना जीवन लगाया। आज हजारों कार्यकर्ताओं ने उन्हें पूरी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की है। हम सबको चाहिए कि जोशी जी के बताए हुए मार्ग पर, उनके बनाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तभी हम वास्तव में दीन दरिद्र की सेवा करते हैं। कहा गया, क्या कहेंगे? हाँ, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की तरफ से भी आज श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुआ। दीपक जोशी जी हमारे मित्र हैं, कैलाश जोशी जी के पुत्र मंत्री रहे हैं। जब कल माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को उन्होंने कहा कि मैं हाट पिपलिया में कुछ भूमि अपने पिता के स्मारक के लिए, अन्य कार्यों के लिए चाहता हूं, तत्काल उन्होंने कलेक्टर निर्देश दिए जो ये भूमि चाह रहे हैं उस भूमि को उस निमित्त सुरक्षित कर दें, ताकि जो भी स्मारक बनाना हो, जो बनाना हो, अपने पिता की याद में वह काम कर सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।